ये सीधी तस्वीरें हम आपको बुढ़ेवनगर रोड से दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना बड़ा हादसा जो है ये यहाँ पर हुआ है। बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जो है हो गई और जो ड्राइवर इसमें था उसको हाइड्रा की मदद से पूरी बस को तोड़ करके निकाला गया। जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको अम्बाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पे दिखा रहे हैं जहाँ पर सुबह सुबह ये भयंकर हादसा हो गया है। बिहार नंबर की ये गाड़ी है जिसका सुबह सुबह एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। जो गाड़ी के ड्राइवर और क्लीनर हैं अगर उनकी बात माने तो वो बता रहे हैं कि पुलिस की जो एक गाड़ी है उसने ट्रक के आगे आके ब्रेक लगाई जिसके बाद ये हादसा हो गया। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्रेन की मदद से किस तरीके से फिलहाल जो है इसको यहाँ से निकाला जा रहा है और ये चंडीगढ़ हाईवे की जो है वो घटना है और पुलिस की गाड़ी जो है उसने आगे आके ब्रेक लगाई जिसके कारण पीछे से दिल्ली से जम्मू जा रही कटरा जा रही है जो बस है ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और इसमें गनीमत यह रही कि किसी और को चोट नहीं आई लेकिन ड्राइवर बुरी तरह से इस गाड़ी में फंस गया। ड्राइवर की टांग में फ्रैक्चर जो है वो बताया जा रहा है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्रेन की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया है। पुलिस की गाड़ी की गलती बताई जा रही है कि ट्रक को रोकने के लिए पुलिस की गाड़ी ने जो है एकदम से ट्रक के आगे आकर के ब्रेक लगाई जिसके बाद ये बस ट्रक के बीच में जा टकराई और आप देख सकते हैं टक्कर कितनी भयंकर थी। चीथड़े उड़ गए हैं बस के। ये तस्वीरें हम आपको बस की दिखा रहे हैं। सुबह सुबह का जो ये हादसा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये लोग अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा नुकसान जो है वो बस का हुआ है, साथ साथ बस में जो ड्राइवर था उसको काफ़ी चोटें आई हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल हाईवे को क्लियर किया गया है ताकि ट्रैफिक को निकाला जा सके लेकिन फिर भी काफ़ी लंबी लाइनें हैं। सुबह सुबह ये दर्दनाक हादसा अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पे हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बस जो है ये हरी ट्रेवल्स इंडिया की बस है, बिहार नंबर की ये बस है और जिस तरफ आप सड़क पे देखोगे सामान बिखरा हुआ आपको मिलेगा। पैसेंजर्स को उतार लिया गया है और ये देखिए चारों तरफ सामान जो है वो बिखरा हुआ है। काफ़ी भयंकर हादसा हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। जो बस के क्लीनर है वो भी यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब कैसे ये हादसा हुआ है, क्या हुआ है, एक बार बताएंगे ज़रा? सर ट्रक चल रहा था आगे, पीछे से पुलिस की जिप्सी आई है जिसने ट्रक को रुकवाया, एकदम से ट्रक रुक गया इसलिए पीछे बस थी उसके, तो ये हादसा हुआ है। तो किस तरीके से ड्राइवर को चोटें आई है, कैसे निकाला गया उनको? ड्राइवर को बड़ी मशक्क़त के एक घंटे के बाद ट्रेन बुलाने के बाद निकाला गया बड़ी मुश्किल से। अभी हॉस्पिटल रेफर करा उसको। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये बस? ये दिल्ली से जम्मू कटरा जा रही। किसी और को कोई चोट आई है? नहीं नहीं, और किसी को चोट नहीं है। तो फिलहाल किसी और को चोट नहीं आई लेकिन ये बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपना सामान जो है ये लोग यहाँ से किसी तरीके क्लियर कर रहे हैं लेकिन ये एक बड़ा हादसा अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पे हुआ है जिसके बाद फिलहाल ड्राइवर को निकाल लिया गया है। ये आप देख सकते हैं सामान जो है चारों तरफ सड़क के ऊपर जो बस के परछक्खे उड़ गए हैं उसका जो सारा सामान है वो चारों तरफ सड़क पर फैला हुआ है जिसको फिलहाल ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूर दूर तक चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर फिलहाल जो है वो लंबा जाम लग गया जो अब धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना अम्बाला में सुबह सुबह हुई है। बहरहाल बस को साइड किया गया है। बिहार नंबर की ये बस है BR28P3403 जो कि दिल्ली से जम्मू कटरा की तरफ जा रही थी। फिलहाल कोई सवारी जो है वो घायल नहीं है लेकिन बस का जो ड्राइवर है वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल है जिसको जो है फिलहाल निकाल करके अस्पताल में पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि इतनी बुरी तरह ड्राइवर फंस गया था जिसको हाइड्रा की मदद से निकाला गया। और वैसे भी जिस तरह की तस्वीरें बस की हमें दिखाई दे रही हैं उससे साफ लग रहा है कि ये कितना भयंकर हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ है। जिस तरीके से बस के परछक्के उड़े हुए हैं उससे साफ दिख रहा है किस तरीके से ज़बरदस्त टक्कर जो है ये हुई होगी और कितनी मुश्किल से कितनी मशक्क़त से बस के ड्राइवर को बाहर निकाला होगा। तो ये सीधी तस्वीरें
हम आपको अम्बाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से दिखा रहे हैं। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी खबर पर अगर और भी कोई अपडेट होगी तो हम आपको जरूर देंगे।